तो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया 6 व्लॉग अब स्टार्ट कर रहा है पूरा दिन आज का अपना। यार जब से ये अपना ऑफिस का काम वर्क फ्रॉम होम में शुरू हुआ ना, तब से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता पूरा दिन व्लॉग करने का। स्टिल आई ट्राइज माई लेवल बेस्ट कि मैं लाइक कर सकूँ, बट जितना हो पाता उतना ही है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट द सीन इज कि यार किसी का बहुत भयंकर नुकसान हो गया। दिखाऊँ, ये देखो गाइस, बिना चले किसी की कौन सी है, मालबोरो गिर गई है गाइस। 18 रुपए का नुकसान गाइस, 18 रुपए का। ठीक है, क्या करता हूँ। तो आज का अपना सीन ऐसा है कि विद फैमिली जा रहे हैं केरला स्टोरी देखने, ठीक है। और मैंने इसके काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, व्लॉग इसके ऊपर मैं डालने वाला था बट अभी तक मैंने जान के नहीं डाला। मैंने कहा पहले एक बार मूवी भी देख लें क्योंकि जो पढ़ा है अब उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि गूगल पे यार पूरा भरोसा भी नहीं कर सकते 100%। तो एक बार मूवी भी देख लेते हैं और वीडियोस वगैरह घर आके देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए, क्या सीन्स हैं क्या नहीं, क्या अनटोल्ड स्टोरी है या फिर क्या क्या चीज़ें मेरे को लगी जो फेक हो सकती है या क्या क्या चीज़ें जो सही हैं। तो ये वाला जो व्लॉग होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है। तो व्लॉग को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना, पूरा लास्ट तक, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हो सकता है कि कुछ सीखने को मिल जाए या समझने को मिल जाए, ठीक है। तो लास्ट तक देखना बिना मिस आउट करे। गाइस मूवी स्टार्ट होने से पहले आ गए हम, 10 मिनट हमारे पास, ठीक है। चालनी उन्नी कृष्ण, ए हिंदू फ्रॉम केरला। टेल मी व्हेन एग्जैक्टली यू जॉइन आईएसएस? आईएसएस कब जॉइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। ने करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है? ए, क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। आर यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट? अपना शौहर कबूल है? कबूल है। चालनी! फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 girls में से 7 Christian हैं, बाकी हिंदू हैं। नारे तकबीर! Guys, the movie is over. और क्या रहा क्या नहीं रहा बताता हूँ अभी, बाकी तो मम्मी से बताता हूँ। मूवी देखी तो उसमें अब कितना सच है कितना झूठा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जान रही कि उसमें कुछ तो है और बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग मूवी थी। और देख के मतलब बहुत दुख हुआ कि बच्चों को किस तरीके से वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और जबकि वो मूवी नहीं थी बिल्कुल रियल लाइफ पे, रियल लाइफ में था कि क्यों मतलब वो हुआ हुआ है सब। हुआ हुआ है, वो उनको भी दिखाया हुआ है ना लास्ट में मूवी के लास्ट में कि जिसके ऊपर ये मूवी है कि उसके स्टैट्स भी कितने वैसे थे जो उन्होंने बताया। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट पेस्ड इन द असेंबली इन जून 2012 an average of 2800 to 3200 conversions are happening from Hindu and Christian families to Islam every year. More than 30,000 girls are missing, sir. The unofficial number is 50,000. We all believe that, sir. Cases registered kitna hua hai?
703 रेस्क्यू 261 सर 261 अगर ऐसा इतना कुछ है तो मेरे ख्याल से और चीजों को दे पे इतना कॉन्सेंट्रेट ना करके ऐसी जगहों पे पता करना चाहिए कि हाँ क्या है और वाकई ऐसा है तो उसके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए. वो किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो लड़की हो आखिर है तो लड़की या महिला है तो इस तरीके के लिए कुछ कठोर नियम बनाने चाहिए. तो यार वहाँ से आ गए पूरी मूवी देख ली. मूवी देख के और तो कुछ नहीं गुस्सा ही चढ़ रहा था. मतलब कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं लग रहा था बस सिर्फ गुस्सा ही चढ़ रहा था उस पूरी मूवी को देख के कि यार ये सब भी हो रहा है. बाकी मूवी क्या था क्या नहीं था रिव्यूज़ तुम्हें मिल ही गए हैं ठीक है. बाकी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे देता हूँ. एक्चुअल सीन क्या है समझा देता हूँ एकदम ब्रीफ में सब कुछ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था क्या हिस्ट्री रही है क्या रीजंस रहे हैं वो सब. तो एक बार तुम पूरी वीडियो देख लो पहले. द केरल स्टोरी का विरोध जारी है. विवादों के बीच फिल्म रिलीज हो गई है. केरला स्टोरी आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित. नवंबर 2022 को इस मूवी का टीजर इंटरनेट पर रिलीज होता है. तो हम जानते हैं कि भारत में हर 10 साल बाद जनगणना होती है. लेकिन अगर हम केरला की रीजन वाइज पॉपुलेशन पर ध्यान दें तो 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग केरला के अंदर 56.1% हिंदुइज्म को मानने वाले लोग थे और इस्लाम को मानने वाले लोग थे 24.7%. वहीं पे हम अब अगर 2011 के स्टैट्स उठा के देखें तो हिंदुइज्म को मानने वाले लोग हैं 54.5% और इस्लाम को मानने वाले 26.5%. यानी कि 2001 के मुकाबले 2011 में हिंदुइज्म को मानने वाले लोग 2% से कम हुए हैं. साल 2010 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और उस समय के चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला BSA ने एक स्टेटमेंट दी कि PFI केरला को एक मुस्लिम देश बनाना चाहती है और उनकी इसी स्टेटमेंट का जिक्र मूवी के ट्रेलर में भी किया गया है. जुलाई 2022 में बिहार पुलिस को PFI की साइट्स पर रेड करने के बाद कुछ ऐसे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें PFI का भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा प्लान रेडी था. PFI की हिस्ट्री और टेरर इन्वॉल्वमेंट्स को देखते हुए उनको UAPA के अंडर बैन कर दिया. कुछ लोग अभी भी इस मूवी को पॉलिटिकल एजेंडा बोलेंगे और प्रूफ्स मांगेंगे और इवन कुछ लोगों का कहना तो ये है कि इस मूवी में दिखाई गई हर एक स्टोरी झूठी है और इस मूवी को बैन कर देना चाहिए. और ऐसे लोग केसेस के नंबर्स के ऊपर डिबेट करने में व्यस्त हैं. अब यहाँ पे या तो इसे एक हमारी सोसाइटी की सैड रियलिटी बोल सकते हैं या फिर कुछ लोगों की इग्नोरेंस. केरला में चल रही सिचुएशन की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमें हादिया केस को समझना होगा. ये बात है अखिला अशोकन की, एक हिंदू लड़की जो 18 साल की उम्र में ईयर 2011 में तमिलनाडु के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए निकली थी और ईयर 2016 में उसने इस्लाम अपना लिया था. और अखिला के पेरेंट्स को उसके इस्लाम कन्वर्जन की बात तब पता चली जब अखिला ने अपने ग्रैंडफादर की फ्यूनरल की रिचुअल्स में शामिल होने से मना कर दिया. और फिर जनवरी 2016 में ही अखिला के फादर अशोकन KM उसी की एक मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर करवाते हैं, यानी कि अखिला की मिसिंग रिपोर्ट. और वो केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि उनकी बेटी को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है. और अखिला की ब्रेन वॉशिंग इस लेवल पे की गई थी कि अखिला के कोर्ट में अपीयर होने के बाद वो स्टेटमेंट देती हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम को अपनाया है, जिसके चलते कोर्ट उनके फादर के पिटीशन को खारिज कर देता है. और देखने की बात यह है कि मैनिपुलेशन इस हद तक की गई थी कि अखिला ने यह भी बताया कि उनके घर छोड़ने का रीजन ये था कि उसके घर वाले उसको इस्लाम धर्म फॉलो नहीं करने दे रहे थे. जब 2016 में केरला हाई कोर्ट ने अखिला के पापा की इस पिटीशन को डिसमिस किया तो जुलाई 2016 में अखिला ने अपना नाम बदलकर हादिया रख लिया. अब स्टोरी में एक ट्विस्ट ये है कि जनवरी 2016 को अखिला जब अपने कॉलेज के लिए निकली थी तो वो कॉलेज जाने के बजाय PFI की वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट AS जायनावा के साथ रहने चली गई, जहाँ पे हो सकता है कि उनको और डीपली ब्रेन वॉश किया गया हो. अब अगले ही महीने अखिला जो अब हादिया बन चुकी थी उसके पापा ने केरला हाई कोर्ट में ये कहते हुए सेकंड पिटीशन फाइल की कि रेडिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अखिला को अब्रॉड भेजकर ISIS में सीरिया और ईरान को बेचना चाहती है. इसी बीच अखिला ने साफिन जान नाम के एक मुस्लिम लड़के से शादी भी कर ली थी जिसके कनेक्शन PFI बैग्ड SDPI पॉलिटिकल पार्टी से थे और जिसके ऊपर ऑलरेडी 4 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे. और केरला हाई कोर्ट उसकी इस मैरिज को कैंसिल भी कर देता है ये कहकर कि अकेला एक कमजोर और वल्नरेबल लड़की है. और कोर्ट मैरिज कैंसिल करने के बाद अकेला की कस्टडी उसके पेरेंट्स को दे देता है. और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि साफिन जान एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अकेला से शादी कर उसे भारत से बाहर एक्सपोर्ट करने का
टास्क असाइन हुआ है, लेकिन केरला हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद साफिन जान हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है और सुप्रीम कोर्ट में अखिला कहती है कि वो इस्लाम अपनाना जारी रखना चाहती है, अपने हस्बैंड यानी साफिन जान के साथ रहना चाहती है और अपनी मेडिकल इंटर्नशिप पूरा करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई हियरिंग्स के बाद 8 मार्च 2018 को हादिया की मैरिज ये कहकर रिस्टोर कर दी कि हादिया एक 24 साल की लड़की है और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है और कोर्ट उसकी विश के अगेंस्ट उसको अपने पेरेंट्स या हस्बैंड के पास जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। अब एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि साफिन जान के आईसिस के 2 मेंबर्स के साथ फेसबुक पर कनेक्शन थे, तो हादिया केस में हमें उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलती है जो या तो डायरेक्टली आईसिस या फिर PFI से एसोसिएट थे। और हादिया केस तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ईयर 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हुए कहा कि केरला में अप्रॉक्स 6000 लोगों को 2011 से 15 के बीच इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया है और इस कन्वर्जन में मेजरली 35 साल से कम उम्र की हिंदू वुमेन थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया कि केरला में 2 रिकॉग्नाइज रिलीजियस कन्वर्जन सेंटर्स ने इस ऑपरेशन को चलाया और ना जाने ऐसे कितने अनरिकॉग्नाइज सेंटर्स भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कि ये नंबर एक्चुअल में इससे कहीं ज्यादा भी हो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग PFI एक ऐसा ग्रुप बना रहा था जिसमें ऐसे लोग थे जो साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग में माहिर थे और इन लोगों के काम करने का एरिया सिर्फ केरला नहीं है बल्कि साउथ इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी फैला हुआ है। वन इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो मोहम्मद रियाज नाम का एक आदमी एक हिंदू लेडी को कन्वर्ट कर सीरिया में आईसिस को एज अ सेक्स स्लेव बेचने का प्लान कर रहा था और उस लेडी ने बताया कि उसको बैंगलोर के एक मदरसे में ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के लिए भी फोर्स किया गया था और इस काम के लिए रियाज को कुछ अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज से पैसे भी मिले थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ऑफिशियल ने बताया कि क्यों ये लोग कन्वर्टेड वुमेन की डिमांड ज्यादा करते हैं। इसके 2 रीजंस हैं। एक कि आईसिस में कन्वर्टेड वुमेन को सेक्स स्लेव की तरह यूज किया जाता है, उन्हें बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन्स की तरह रखा जाता है, और दूसरा रीजन ये है कि कन्वर्टेड मैन और वुमेन रिलीजन के बारे में बहुत कम जानते हैं जिसकी वजह से उनका ब्रेन वॉश करना और रेडिकल बनाना बहुत ईजी होता है और आईसिस को ये अच्छे से पता है कि कोई कन्वर्टेड वुमेन को सोसाइटी वापस एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसकी फैमिली वाले भी उसका साथ छोड़ देंगे, जिसकी वजह से ये लोग आईसिस के लिए एक परफेक्ट टारगेट बन जाते हैं। तो यार ज्यादा कुछ ना कहते हुए होपफुली आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्या है क्या नहीं है, किस तरीके की चीजें रही हैं, है ना, वट एवर इट वॉज। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा हो तो यार शेयर कर दो, लाइक करो और शेयर कर दो, ठीक है। एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट, अगर यहाँ तक देख लिया है ना भाई, कमेंट में जय श्री राम लिख दो, भगवान कसम दिल खुश हो जाएगा। जय श्री राम लिख दो भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।